नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में। इसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 336 के बारे में, और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा यूरिन ब्रिटल मेरिडियन का, और 65 नंबर पॉइंट जो कि हमारा वुड पॉइंट भी है। ठीक है, वुड पॉइंट यानी कि वायु तत्व का पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों पिरामिड्स की लोकेशन जानते हैं, लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी समझने में। ये हो गया हमारा थंब तो लगभग इतना बड़ा बनेगा, और ये होगी हमारी फिंगर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा थंब। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना डायग्राम, कोई बात नहीं। ये हो गया दोस्तों हमारा एंकल जॉइंट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टार्सल जॉइंट दोस्तों। ठीक है, ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, यहाँ पे बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी फिफ्थ मेटाटार्सल होती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमने बताया था आपको 63 नंबर पॉइंट, यहाँ पे बताया था 64 नंबर पॉइंट। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉइंट जो आपका होगा आज का होगा 65, ये पॉइंट हमारा कहाँ पड़ेगा वो जान लेते हैं। ठीक है, ये जैसे दोस्तों यहाँ पे एक जॉइंट होता है हमारी बोन्स का, मेटासल का, एक यहाँ पे होता है फिंगर के, एक तो फिंगर के शुरू होने से पहले होता है और एक उससे भी पहले होता है। तो उस पहले जॉइंट से पहले यहाँ पे पड़ेगा लगभग, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ की 3 से 4 कुन की दूरी होगी। ठीक है, 3 से 4 कुन की दूरी होगी, और ये फिफ्थ मेटाटार्सल पे आपके पड़ेगा। ठीक है, और ये यिन यांग लाइन पे पड़ेगा आपका। ठीक है, बहुत आसान है, इसे इजी ढूंढना है, जब आप प्रैक्टिकल में आओगे तो इसे ढूंढ लोगे। चार्ट वगैरह आपको दे रखे हमने, और चार्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे है, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं से ठीक होती है वो जान लेते हैं। ठीक है, नंबर वन, अगर दोस्तों किसी को यूरेथ्रा की प्रॉब्लम है, यूरेथ्रा में किसी को प्रॉब्लम है, तो उसमें दोस्तों आप इससे हेल्प कर सकते हैं। यूरेथ्रा यानी कि यूरिन पाइप जो होता है, जो हमारी किडनी से, ठीक है, जो हमारी किडनी से और क्या नाम है, किडनी से और हमारी यूरिन मिडल को कनेक्ट करता है। ठीक है, वो होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद में यूरेथ्रा के बाद में अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो यानी कि जो पुरुषों में जो ग्रंथियां होती है वो प्रोस्टेट होता है। ठीक है, नंबर तीन, ये भी यूरिन से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब मेल्स में हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, और प्लस मेल्स में जो हमारा यूरिन को कंट्रोल जो है वो ये करता है प्रोस्टेट। ठीक है, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना, अभी तीन हो गए दोस्तों बेनिफिट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट और वेजाइना। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, वेजाइना इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ये हमारा जो पॉइंट है UB65 इससे दोस्तों आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और ये वुड पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट ही हो गया आपका दोस्तों, और ये हो गए बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है हमारा UB65, इस पॉइंट को आप इस तरह से 15 से 20 से 30 सेकंड के लिए इस तरह से प्रेस करेंगे, जैसे मैं दबा रहा हूं, इस तरह की प्रोब से, इस तरह की प्रोब से भी, और आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, हल्का ऑयल लगा के भी मसाज कर सकते हैं, ऑयल लगा के ऐसे थम से मसाज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे मसाज कर सकते हैं, बस ये पॉइंट पे प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मान लो दिन में आपने ट्रीटमेंट कर लिया, अब शाम को रात को क्या करेंगे दोस्तों देख लेते हैं। इस तरह की पेपर टेप पे मैग्नेट लेंगे, स्टार मैग्नेट पेपर टेप पे, और ये जो पॉइंट है UB65 इस पे लगा देंगे, ऐसे रख देंगे। अब ये जो पॉइंट आपने लगाया है ये पूरी रात इसको सर्कुलेशन देगा, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना है। अब ये मैग्नेट आपको शाम को रात को लगानी है सोते हुए, और सुबह जब आप उठोगे तब इसे रिमूव कर देना है, और ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट दोबारा से यूज हो जाती है, इस मैग्नेट को फेंकना नहीं है, पेपर टेप फेंक सकते हो, मैग्नेट यूज करनी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, रूटीन का अपना ध्यान रखिए, अपने पानी पीजिए अच्छे से, खाना वाना खाइए, समय से सोइए, समय से उठिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ, तब तक ले दोस्तों नमस्कार।